हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सिंह में। जी हाँ दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 को लेकर। ब्रांच कोड सेलेक्ट प्रॉब्लम अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट का चल रहा है। ये नहीं हम कह सकते कि अभी एक अपडेट आया था 5 दिसंबर को, उसमें बहुत सारे लोगों का सही हुआ था, लेकिन अभी भी हमको लगता है यहाँ पे 75% बच्चों का ये ब्रांच और कोर्स सिलेक्ट प्रॉब्लम में प्रॉब्लम चल रहा है। आखिर ये प्रॉब्लम कब सही होगा, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, क्योंकि इस बार 2023-24 की स्कॉलरशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को भरने में, और ये प्रॉब्लम सही होने वाला नहीं है। और कैसे सही होगा, आखिर ये कब कब सही हो जाएगा ब्रांच और कोर्स सिलेक्ट प्रॉब्लम, हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो आपको ब्रांच और कोर्स सिलेक्ट प्रॉब्लम अगर आप में है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आप और भी वीडियो देखेंगे, किसी एक ही किसी का वीडियो देखिए, ये हम नहीं कर रहे हैं कि हमारा ही वीडियो केवल देखिए। किसी भी आप ऐसे यूट्यूबर का वीडियो देखिए जिसमें आपको कंप्लीट जानकारी मिले और आपको दोबारा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, इससे कि आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपको जानकारी सही मिलनी चाहिए, बस मेरा यही मकसद है। तो देखिए कि अभी आज हो गया है 16 दिसंबर, 16 दिसंबर आपका हो चुका है, और कहीं ना कहीं लास्ट डेट हमको लगता है 31 दिसंबर तक ही रहेगा, वेबसाइट अच्छी तरीके से चलेगी। अब मात्र आपके 14 दिन का 15 दिन का समय यहाँ पे बच रहा है, इसी के बीच में आपको जो कर अपडेट आना रहेगा आ जाएगा, जो अपडेट नहीं अगर आएगा तो आप स्कॉलरशिप से वंचित रह जाएंगे। तो कैसे ये सब प्रॉब्लम सही होगा, आइए हम चलते हैं, आपको लाइव दिखाते हैं कि क्या किस किस का सिलेक्ट हो रहा है ब्रांच अब और किस किस का नहीं हो रहा है। तो आइए हम चलते हैं लाइव। देखिए, जब भी आप आते होंगे स्कॉलरशिप भरने के लिए, चाहे फ्रेशर हो चाहे रिन्यूअल वाले बच्चे हों, उन दोनों में यहाँ पे शैक्षणिक में आते होंगे तो यहीं पे प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। बहुत से बच्चों का आधार कार्ड वाला भी प्रॉब्लम है, NPCI वाला प्रॉब्लम है, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे निजी शैक्षणिक वाले जो बच्चे हैं, शैक्षणिक में आ रहे हैं, भर रहे हैं, यहीं पे प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, जब भी वो आ रहे हैं स्कॉलरशिप भरने के लिए तो यहाँ पाठ्यक्रम का नाम, मतलब सिलेक्ट कोर्स और सिलेक्ट ब्रांच, इसी दोनों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम। अगर ये प्रक्रिया आगे बढ़ जा रही है तो कहीं ना कहीं वो आगे अपना प्रोसेस भर ले रहे हैं। तो देखिए, ये सिलेक्ट कोर्स यहाँ पे करने के बाद केवल BA, BSc और BSc 4 ईयर और बैचलर ऑफ एजुकेशन, मतलब BEd और MSc, केवल इतने ही लोगों का यहाँ पे दिखने को मिल रहा है कि वो सिलेक्ट कोर्स कर सकते हैं। लेकिन जो रिन्यूअल वाले बच्चे हैं उनका ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर आएगा, लेकिन उसमें भी बहुत से ही कम लोगों का आ रहा है कि सिलेक्ट कर आ रहा है। क्योंकि अभी आपको मैं बता दूं कि एक अपडेट आया था 5 दिसंबर को एक अपडेट आया था, जिसमें BA वालों का मैक्सिमम BA वाले बच्चों का, सेकेंड ईयर चाहे थर्ड ईयर के बच्चे हों, उनका कहीं ना कहीं सही हो गया, लेकिन ये भी कंप्लीट सही नहीं हुआ, 70% बच्चों का इसमें भी सही किया गया है, केवल इसमें 70% बच्चों का ही सही किया गया है। लेकिन अब आपके मन में क्वेश्चन रहेगा, सर अभी आज हो चुका है 16 दिसंबर यहाँ पे हो चुका है और 31 दिसंबर आपका लास्ट डेट कहीं ना कहीं है आपका, तो इसके बीच में क्या अपडेट आ सकता है? जी हाँ, अभी तक मुझे पूरा चांस लगता है कि अपडेट आएगा, 100% चांस लगता है अपडेट आएगा और ब्रांच और कोर्स सेलेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व होगा। लेकिन इस बार मैं कह दूं कि जितना कठिन इस बार स्कॉलरशिप भरने में है, जितना प्रोसेस इस बार देखने को मिल रहा है कि आपको आधार कार्ड वेरीफाई करना है, आधार कार्ड, उसके बाद NPCI आपका वेरीफाई करना है बैंक से, बहुत सारे मतलब लोगों का नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चों का आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड रहेगा तभी आपका वेरीफाई होगा, आपको मालूम है कि उस पर OTP आएगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों का ऐड नहीं रह रहा है तो वो ऐड करा रहे हैं, तब जाके वो वेरीफाई कर रहे हैं, फिर वो बैंक से NPCI जो कराना है NPCI, ये बहुत से बच्चे नहीं जान पा रहे हैं कि कैसे कराना है कैसे नहीं कराना है। लेकिन जो भी जानकार बच्चे हैं वो जल्दी से जल्दी अपना करा लीजिए, मैं आप तो आपको यही कहूँगा, बैंक से NPCI करा लीजिए, चाहे आप खुद भी कर सकते हैं NPCI आधार कार्ड। अगर आपके कमेंट आएगा कि NPCI सर आप बता दीजिए कैसे करते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे आधार कार्ड को लेकर
और NPCI को लेकर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं आपको बताने को तैयार हूँ। केवल आपके कमेंट में आपको NPCI कमेंट करना है। और यहाँ पर आप ब्रांच और सिलेक्ट कोर्स में प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम आपको जल्द से जल्द हमको लगता है देखने को मिल सकता है। 16 दिसंबर हो गया, 31 दिसंबर हमको लास्ट डेट है, तो कहीं ना कहीं अभी 22 दिसंबर के बीच में अपडेट आने की संभावना है। जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको यहाँ पे खबर कर दूंगा। आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन जिनका भी यह कोर्स कोर्स और सिलेक्ट प्रॉब्लम, जिसका BA है, BSc है, BSc 4 ईयर है, BEd है, फ्रेशर वालों, केवल फ्रेशर वालों का और MSc वालों का, ये सब बच्चे आप अपना जल्दी से जल्दी भर लीजिए। कभी भी वेबसाइट यहाँ पे स्लो हो सकती है, कभी भी वेबसाइट स्लो हो सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस बार सरकार देने की मूड में है या नहीं, यूपी सरकार आपको स्कॉलरशिप, इसकी कोई गारंटी यहाँ पे नहीं है। अगर वो जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और रिन्यूअल वाले बच्चे जो हैं, रिन्यूअल वाले बच्चे हैं, उनके के लिए ये रहेगा कि आप अगर सिलेक्ट कोर्स और ब्रांच हो रहा है तो आप कर लीजिए, नहीं तो आप केवल वेट कर सकते हैं। रिन्यूअल वाले बच्चे और चाहे वो फ्रेशर वाले बच्चे हैं, इसके के लिए केवल आपको दोनों में वेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप और कुछ नहीं कर सकते हैं वेट के अलावा, क्योंकि इसमें आप कोई देखिए यहाँ पर कोई टेक्निक भी नहीं है कि आप यहाँ पे जाइए और सिलेक्ट कोर्स और ब्रांच, कोई भी टेक्निक आपके नहीं है। जो भी आपके यूट्यूब पे फर्जी वीडियो बहुत सारे पड़े हैं कि ये टेक्निक अपना लीजिए आपका ब्रांच और कोर्स सिलेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कोई टेक्निक नहीं है। केवल आप इसमें वेट करना है, जैसी भी वेबसाइट अपडेट होगी तभी आपका कुछ हो सकता है, अन्यथा आप स्कॉलरशिप से वंचित रहेंगे। जो भी सत्य है मैं आपको बता चुका हूँ। तो फिलहाल था इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अन्य जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।